साल 2022 हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कई सियासी तीखे मोड़ लाने वाला है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हिमाचल में भी अब आम आदमी पार्टी पैर पसार कर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ कर रही है। इससे कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को झटका लग रहा है। सोलन में आज भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष वेद ने कहा कि प्रदेश में आप पार्टी के आने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी प्रदेश में कांग्रेस को हटाकर खुद को विकल्प बनाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आम जनमानस को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में सरकार बनने से पहले आम आदमी पार्टी ने सब कुछ फ्री देने की बात कही थी, लेकिन सरकार बनते ही तीसरे दिन पंजाब के मुख्यमंत्री कटोरा लेकर पीएम मोदी के पास कर्ज लेने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को नंगा करके बाजार में लोगों के बीच घुमाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवभूमि के लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उसका जवाब लोगों ने उन्हें दे दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के आने से भाजपा को कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इससे कांग्रेस का ही विघटन हो रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी, हम इनको लोगों के बीच में नंगा करके छोड़ेंगे, उनको चौक चौराहे पे लेके जाएंगे। जिस प्रकार ये आम आदमी की बात करके लोगों को, जनमानस को ठगने का प्रयास करते हैं, वो ठगी ठोरी हिमाचल में चलने वाली नहीं है। हिमाचल के लोग बहुत समझदार हैं। जो फ्री फ्री मॉडल लेकर पंजाब में आए हैं, तीसरे दिन की सरकार हाँफ गई, दूसरे दिन कटोरा लेकर इनके पंजाब के मुख्यमंत्री को माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाना पड़ा। जो मैंने फ्री फ्री के वादे किए हैं, उसके लिए मुझे 50,000 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष बजट दिया जाए। ये जो झूठे वादे और जो वादा खिलाफी करने का काम आम आदमी पार्टी करती है, और जो दिल्ली में इन्होंने आचरण किया, किस प्रकार से द कश्मीर फाइल्स पिक्चर के ऊपर इन्होंने, इनका अट्ठासाहस जो उन्होंने किया, जो मजाक उड़ाया, जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुई निशस्त हत्याएँ, उनके साथ हुई बर्बरता का जो मजाक उड़ाया, मुझे लगता है कि एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, विशेष समुदाय को खुश करने के लिए किया है। और निश्चित तौर पर देवभूमि के लोग इस तरह की बातों को कतई पसंद नहीं करेंगे, इस तरह के व्यक्तित्व को कतई पसंद नहीं करेंगे। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा किस प्रकार से केजरीवाल जी के जो विधानसभा में जो उनका अट्ठासाहस था, उसको लेकर लोगों ने किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इक्का दुक्का लोग हमारे आम आदमी पार्टी के संपर्क में आए और उन्होंने उनको साधने का प्रयास किया, लेकिन हम उन्हें वापस लाने में सफल भी हुए हैं। और जो विघटन हो रहा है आज आम आदमी पार्टी के आने के कारण, वो कांग्रेस का हो रहा है। निश्चित तौर पर वो आपको दिखाई भी दे रहा है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास आज प्रदेश के अंदर कर रही है, वो करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का परिवार मजबूत परिवार है, और हमारा नेतृत्व उस परिवार को एक सूत्र में बांध के रखने और उसको जोड़ के रखने में सक्षम।